मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट वेदर ने 2022 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहने की संभावना है, यानी इस बार बारिश के 4 महीनों के दौरान 98% ही बारिश होगी। अमूमन जून से सितंबर के बीच भारत में 880.6 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी 2022 में यह इसकी मात्रा का 98% हो सकता है। स्काईमेट ने अपने इस अनुमान में 5% की कमी या बढ़ोतरी का भी मार्जिन रखा है। 96% से 104% बारिश को सामान्य कहा जाता है। एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि फूड बाउल के नाम से मशहूर एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा में सामान्य से भी अधिक बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात में सामान्य से कम बारिश होगी। राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे सीजन में बारिश कम ही होगी। वहीं केरल और कर्नाटक में भी जुलाई अगस्त के दौरान कम बारिश होगी। पूर्वानुमान के अनुसार देश भर में बारिश के सीजन का पहला हिस्सा बाद वाले की तुलना में बेहतर रहेगा। जून में मानसून की अच्छी शुरुआत होने की संभावना है। जून में लॉन्ग पीरियड एवरेज 166.9 मिलीमीटर के मुकाबले 107% बारिश हो सकती है, यानी 70% सामान्य, 20% अत्यधिक और 10% कम बारिश हो सकती है। वहीं जुलाई में लॉन्ग पीरियड एवरेज 285.3 मिलीमीटर के मुकाबले 100% बारिश हो सकती है, यानी 65% सामान्य, 20% अत्यधिक और 15% कम। वहीं अगस्त में लॉन्ग पीरियड एवरेज 258.2 मिलीमीटर के मुकाबले 95% बारिश हो सकती है, यानी कि 60% सामान्य, 10% अत्यधिक और 30% कम। वहीं सितंबर में लॉन्ग पीरियड एवरेज 170.2 मिलीमीटर के मुकाबले 90% बारिश हो सकती है, यानी 20% सामान्य, 10% अत्यधिक और 70% कम। पिछले 2 मानसून सीजन में बैक टू बैक ला नीना का असर था। इससे पहले सर्दियों के मौसम में ला नीना तेजी से घटने लगा था, लेकिन पूर्वी हवाओं के तेज होने से इसकी वापसी रुक गई है। हालांकि प्रशांत महासागर की ला नीना दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से पहले तक प्रबल होने की संभावना है, इसलिए आम तौर पर मानसून को बिगाड़ने वाले अल नीनो के होने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।